नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबर्स ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो डिक्टेशन लिखने के बाद पीडीएफ मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आपकी आ रही है, और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2019 का स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, और आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लोगों ने अपना कमेंट भी दिया है और सुझाव भी दिया है, तो आप लोग जरूर उसका पालन करिए, उसका फॉलो करिए और उसका फायदा उठाइए। और 2020 के लिए अगर आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है, स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ उसमें लग जाइए, ताकि आने वाले अगले रिजल्ट में आपका नाम जरूर हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद के इस शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि समाज के विकास की किसी भी प्रकार की कोई पहल हमारे देश के किसी भी कोने से शुरू हो या किसी भी रूप में शुरू हो, इसका राष्ट्रव्यापी महत्व होता है। विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इस प्रकार के सुधार की पहल का तो और भी अधिक महत्व होता है। यदि उसमें कुछ सफलता मिलती है तो शेष राज्यों में भी उसे लागू करने की कवायद शुरू होनी ही चाहिए। हमारे देश के दूर दराज के पिछड़े कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पूर्व राष्ट्रपति महोदय के नाम पर शिक्षा गुणवत्ता नाम से इसी प्रकार के एक अभियान को शुरू किया गया है, जिस पर पूरी ईमानदारी के तरीके से अमल किया जाए और उसके कुछ नतीजे निकलें, तो वह हमारे देश की शिक्षा की व्यवस्था को आईना दिखाने का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 50,000 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की पढ़ाई की गुणवत्ता के लिहाज से व्यापक स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। इनमें लगभग 30,000 प्राथमिक और 10,000 माध्यमिक स्कूल शामिल किए जा गए हैं। राज्य सरकार से जब इस बारे में पूछा गया तो राज्य सरकार ने यह बताया कि उनके मुताबिक ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभाओं और शहरी स्तर पर विशेष प्रकार की सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों द्वारा लगभग 20 बिंदुओं पर आधारित पत्रक द्वारा हमारे देश की जनता से संवाद स्थापित करते हुए राय लेकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर एक विशेष प्रकार की चर्चा की जाएगी। मैं तथा आप सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तव में शिक्षा ही तो समाज के विकास का मूल आधार होती है, और उसमें भी प्राइमरी या आधारभूत शिक्षा का सबसे
अधिक महत्व होता है, क्योंकि किसी भी इमारत की बुलंदी उसकी नींव की मजबूती पर पूरी तरह से निर्भर करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारा यह दुर्भाग्य है कि आज हम जिस शिक्षा की नीति पर एक प्रभुसत्ता संपन्न, सुविकसित संपन्न और शिक्षित राष्ट्र और राज्यों का सपना पाले हुए बैठे हैं, वह हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक शासन करने वाली उस ब्रिटिश हुकूमत की देन है, जिसने सोची समझी कुटिल प्रकार की रणनीति के तहत हमारी मूल शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी परस्त आयात शिक्षा की व्यवस्था का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया, जिसके कारण आज ना हम घर के हैं और ना घाट के। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पढ़े लिखे और पूरी तरह से शिक्षित बेरोजगारों की ऐसी भीड़ तैयार करने का काम कर रही है जिसे हुनरमंद या व्यवहारिक शिक्षा का और खा भी ठीक तरह से नहीं मालूम है। यही कारण है कि जब हमारे देश का युवा पढ़ाई और लिखाई करके रोजगार की तलाश में सरकारी या निजी संस्थानों के दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। हमारी लचर शिक्षा की व्यवस्था के कारण ही आज हमारे समाज में आर्थिक असमानता की खाई धीरे धीरे गहरी होती चली जा रही है। शिक्षा के रूप में केवल पुस्तक के ज्ञान के आधार पर एक अलग तरह की डिग्री पाना हमारा अंतिम लक्ष्य रह गया है, और उसी का यह परिणाम है कि पीएचडी और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद पांचवी योग्यता वाली एक सामान्य सरकारी चपरासी की नौकरी पाने के लिए हमारे देश के युवा को संघर्ष करना पड़ रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश की आजादी के बाद धीरे धीरे शिक्षा को निजी हाथों में पूरी तरह से सौंप दिए जाने का ही यह दुष्परिणाम है कि सरकारी और निजी शिक्षा के रूप में दो पाटों के बीच पिसती हमारी युवा पीढ़ी असामान्य शिक्षा के आधार पर अमीर भारत और गरीब भारत का एक इस प्रकार का वर्ग तैयार कर रही है जो नदी के दो छोरों की तरह आपस में कभी भी नहीं मिल सकते हैं। अतः मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रव्यापी पहल किया जाना बहुत अधिक जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे देश में शिक्षा के विकास के लिए विशेष रूप से एक स्लोगन भी दिया गया है। यह स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया
तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की गरीब जनता के बच्चों को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उनका यह प्रयास वास्तव में एक स्वागत योग्य पहल है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की आजादी हमने कितनी लंबी संघर्षों के बाद हासिल की है। जब अंग्रेजों ने हमारे देश को आजाद किया था तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी किया गया था। उस बंटवारे के दौरान हुई हिंसा के कारण कई लोग मारे गए थे। उस समय हमारा देश एक प्रकार से एक बुरी यातना के दौर से गुजर रहा था। हमारे देश के मुसलमान नागरिक इस दुविधा में थे कि वे हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान में। मजबूरी में उनमें से कई मुसलमान पाकिस्तान में रहने को मजबूर हो गए। उनके कई रिश्तेदार हिंदुस्तान में छूट गए और शेष मुसलमान पाकिस्तान में जाकर बस गए। ऐसा नहीं है कि बंटवारे का दंश केवल मुसलमान भाइयों ने ही झेला, बल्कि कई हिंदू भी मजबूरी में पाकिस्तान को पलायन कर गए, क्योंकि जिन जगहों पर वे बंटवारे से पहले रह रहे थे और जहां पर उनके मकान और संपत्ति थे, वे पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान की सीमा में आ गए। इस प्रकार से हमारे देश की आजादी के बाद हम लोग अपनी आजादी का जश्न नहीं मना सके, क्योंकि हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे और ट्रांसक्राइब करने के बाद पीडीएफ से मैच कराकर जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।